गुड मॉर्निंग दगड़े, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं, ब्याह होने के बाद, बर बनने के बाद दगड़ियों लाइफ बदल गई। मैं कुंवारे से शादीशुदा हो गया, लेकिन एक चीज नहीं बदली दोस्तों, मेरी टी शर्ट, ये हमेशा मेरे साथ रहती है। तो सुबह के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, जब से ब्याह हो रखा है दोस्तों टाइम का पता ही नहीं चल पा रहा, लगभग 7:30-8 का टाइम हो रखा है। और आप देखिए, सुमित जी ने यहाँ पे जिम्मेदारी संभाल ली है दोस्तों, आप देख सकते हैं झाड़ू वाड़ू मारते हुए, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा गद्दर वद्दर हो रखा है, बहुत ही ज्यादा मतलब गंद मची पड़ी है दोस्तों। गुड मॉर्निंग, कैसे हो, बढ़िया। कैसा लग रहा है यहाँ? यहाँ तो अच्छा लग रहा है। हाँ, इसको अभी थोड़ा घबराहट हो रही है दोस्तों ब्लॉग में आने में, आदत नहीं है ना, नींद आई नहीं आई कल रात, झूठ बुलाने को पड़ा मेरी रात। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे सबसे खूबसूरत हैंडसम डैशिंग चचा हैं दगड़ियों, मतलब ये लगने को मेरे चचा हैं दगड़ियों, लेकिन जिस हिसाब से इनकी पर्सनालिटी है, जिस हिसाब से खूबसूरत है ना, इन्होंने बड़े बड़े भतीजों का रिकॉर्ड तोड़ रखा है, भतीजे इनकी तुलना में कहीं नहीं ठहरते दगड़ियों। ये अपना भाई नीलय। मॉर्निंग सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अभी कहाँ? मंदिर होगा, भगवती मंदिर। परसों तो गए थे शायद तुम? नहीं गया था। तो दगड़ियों, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दो दोस्त जो कि 3-3-4 दिन से यहीं पड़े हुए हैं दोस्तों। बेटा मैं अपने नगमा आ रहा हूँ धीरे धीरे, 3-4 दिन तक मैं ब्लॉग नहीं कर पाया ना, मेरी बोलती बात हो रही है, प्रेशर हो गया, धीरे धीरे प्रेशर हट रहा है, ठीक है, अब दूसरा प्रेशर शुरू होने जा रहा है दगड़ियों। तो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ दो खूबसूरत जो कि पिथौरागढ़ से आयात किए गए हैं दगड़ियों, पल पल पे मेरे साथ देने वाले, ठीक है, और कहीं पर भी सो जाने वाले, गद्दे में सुलाओ, मिट्टी में सुलाओ, कहीं भी सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग भाई लोगों। गुड मॉर्निंग। ये दोनों दीपू है, ये दीपू भाई हमारे दोनों दीपू आए ना मीन। तो फिर अब आज मैं खुश हो जाता ना ब्रो। इस वाले सूबे में दोस्तों खिल दिए गए थे, ये गणेश जी वाली अंगूठी है दगड़ियों, इसमें नक की जगह पर गणेश जी बने हुए हैं। तो दगड़ियों, जैसे जैसे हम साफ सफाई करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें कुछ उसे बोतलें मिलती जा रही है। इधर बोतल है यहाँ दगड़ियों, अगर आपकी पहचान में कोई दोस्तों, इतनी बोतलें निकल दी है ना, भकारा कुछ में, बक्सा कुछ में, ऊपर रैग में, हर जगह से बोतल ही बोतल है। तो अगर आप क्या कहते हैं, कबाड़ के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। यार इसमें कि काम नहीं भुनन लाए हो, तब अमीर कैटरिंग वाले का दी भी ठैक ने कि काम नहीं भुनन, तभी पी खाए नहीं भया काम। ये क्वार्टर भी निकल रही है, ये हर जगह से निकल रही है। एक देखो दोस्तों वहां पर है भाई साहब, साफ सफाई कर दी है सुमित ने, कितनी दगड़ियों आप देख, ए तीन वहां है, ये देखो यहाँ भी है, ये देखना पक्का यहाँ भी दिखेगी, ये देखो देखो नहीं जाता लेना यार। भाई साहब इसमें कितनी पड़ी हुई है दगड़ियों, ये क्यों लाइ, बैडमिंटन के कॉक का डिब्बा। मामा जी प्रणाम। आयुष्मान मामा जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, आप इतनी दूर से आए, तबियत ढीली ढाली होने के बाद भी मामा जी यहाँ आए, इतनी दूर, इतना लंबा सफर करने के बाद काम निभाया, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भांजा हुआ मेरा, भांजा तो हुआ यार, ये तो है। और भांजा भी जैसा कैसा नहीं हुआ, जैसा कैसा नहीं हुआ, सही बात। तो इसी भी नीरज जी भी पहुंचे हैं, कौन जी बताइए आपको, बहुत बहुत आई यार नीरज, आई नींद आई, आप जैसे भाई हो तो नींद तो आएगी। तो नीरज जी बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आप इतनी दूर से आए, अपनी जॉब छोड़ के आए, छुट्टी लेके आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों अब मैं आपको ले जाने वाला हूँ, आप समझ ही गए होंगे, मेरे परम पूजनीय आदरणीय दादा के पास दगड़ियों, जिनके आशीर्वाद के बिना, जिनके प्रेम के बिना ये काम काज निभाना संभव नहीं था दोस्तों। एक अप्रत्यक्ष रूप से वो हर समय कंधे से कंधा मिला के मेरे बगल में खड़े रहे दगड़ियों, चाहे वो दुलर्ग के समय हो, चाहे वो कन्यादान के समय हो दगड़ियों। ब्योली की चरण पूजा करने से ज्यादा मैं अपने दादा की चरण पूजा करूं, तो सबसे पहले तो मैं दादा के चरणों में शीश नवाता हूं दगड़ियों, और अपनी जिंदगी की मैं एक नई पारी की शुरुआत कर रहा हूं, तो उसमें दादा का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, एक बार फिर से मैं शीश नवाता हूं दगड़ियों। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद विनोद जी, आपने काम नहीं, कैसी लगी आपको अपनी बहू? आने देखा है का ही है, कब देखेगा आप? देखिए जाए जेठ भैया, आप तो कहाँ देखे, कोई बात नहीं, हाँ नजर भी नहीं मिलाने वाले ठहरे ना, नजर नहीं, हाँ देखिए। और इसी बीच हमारे मौसु भी आ चुके हैं दोस्तों, मौसु मस्त रहते हैं, चाहे वो घर में रहे या जंगल में रहे। आखिर आपने वो लड्डू खा ही लिया? धन्यवाद मौसा जी, एक दिन तो खाना ही था। बुआ कस लगी तुम उनका ब्योल? बहुत सुंदर लगी जा, बहुत बड़ी तुम है कमा हूँ, लेकिन बुआ तो हमारी बहुत सुंदर है। चाची कस लगी तुम उनका ब्योल? बढ़िया लगी ना। बुआ आपको कैसी लगी? बहुत सुंदर, अच्छी, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं सच्ची, बहुत बड़ी है, सबसे अच्छी है, ऐसी होना चाहिए, जैसे दिखाओ जैसे भी कर दी, बिल्कुल नहीं,
हटके लगी ना फ्रेंक जैसे बात करने में आने में बात कर रही थी खुल के, और ऐसे दिल के बहुत अच्छे होते हैं। धन्यवाद अजय, धन्यवाद। अजय भाई तुम्हें कैसी लगी बात? बिल्कुल एक नंबर लगी। मामी कैसी लगी तेरे को? आपसे अच्छी है। अरे तुम भी बता दो दीपू कैसी लगी? बहुत बढ़िया। थैंक यू। चाची कैसी लगी? बहुत सुंदर। रूप की रानी आई है जैसे स्वर्ग से उतर के, मेरे लिए हाँ मेरे लिए पहाड़ी बाखली में चल के। तो दोस्तों यहाँ पे दुल्हन रेडी हो रही है नौ शिवाने के लिए। क्या होता है पता तुम्हें? नौ शिवाना क्या होता है? पूजा करते हैं नौले की। चलो इतना तो पता है तुम्हें। जैसे यहाँ पे नवला पूजन होता है ना, यहाँ पे प्लेन्स में होता है। क्या होता है प्लेन्स में? कुआं पूजन। कौन सा पूजन? कुआं पूजन। अच्छा कुआं पूजन, ठीक। एक नई बात पता चली, जैसे हमारे पहाड़ों में नौ शिवाना या नौला पूजन होता है, वैसी प्लेन्स में रिवाज होती है कुआं पूजन की। तो कहीं ना कहीं हमारे कल्चर में है, इंडियन कल्चर में, कि धारे नौले या पानी में देवताओं का वास माना गया, वरुण देवता का वास होता है शायद, हाँ ऐसी, तो उनकी पूजा होती है। खिड़की में बैठी तू बाल बना ली मेरी, रंजू तू मेरी होश उड़ा ली। एक हाथ में कंघी तेरी, एक हाथ में सीसा, एक हाथ में कंघी तेरी, एक हाथ में सीसा, मैं तेरो शाहरुख खान तू मेरी मनीषा, तेरी गोई चलूनी दिन दिन दिन, तेरी कोई चलूनी आखी। धारे में पूजा करने के लिए कलश आ चुका है, आप देखिए छोटे साइज का कलश हमने मंगा रखा है। पहाड़ में रोनी वाली ब्योल हुई ठुल गगेल लाई, ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी हुई, मना जुनाई भी धर्म भाई रे ने मो परिवार साई जब तो थोड़ी देर यहीं पर रहो। बत्ती अच्छे से लाओ, ये चौक इधर नीचे रख। ऊपर को ऊपर ये वाला मन अपने पिया की मैं बनी रही। हाँ कहा था उसको, उसका मन हो रहा है ये वाला। ना ना कह रहा हूँ अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया। उड़ाए चाहे सारी दुनिया
हो गया बहुत। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जगत भगवान विष्णु की जो है यही से पांव से पूजा करनी है सिर पर। ओम दामोदराय नमः हम पादौ पूजयामि। ओम माधवाय नमः जांघ्यौ पूजयामि। स्वामी